अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की ओर से शनिवार को अगरतला प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश सचिव तनुज साहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन देने का निर्देश दिया है, लेकिन अगरतला जीबी अस्पताल और टीएमसी में सफाई का काम करने वालों को समान वेतन नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने श्रम आयुक्त से अपने मुद्दों के बारे में बात करने की इच्छा व्यक्त की। वे चाहते हैं कि राज्य सरकार उनके वेतन में वृद्धि करे। साथ ही इस दिन उन्होंने कहा कि हरिजन कॉलोनी का नाम हटा दिया जाना चाहिए और जो लोग सही है उन्हें क्वार्टर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के समक्ष ये सभी मांगे उठाई जाएंगी। जो सरकार कर्तृक जो प्रदत्त वेजेस से वेजेस टा बाध्यतामूलक देवर जन्य किंतु अपनारा निश्चय अवगत आछेन गत किछुदिन पूर्वेओ आमरा एजीएमसी ते आमरा आंदोलन संगठित करेछिलाम। तो 28 जून 2022 राज्य सरकारेर लेबर डिपार्टमेंट एकटा नोटिफिकेशन जारी करेछिलेन जेटाते साफाई कर्मचारीदेर न्यूनतम वेतन 204 टाका थेके बृद्धि करे 243 टाका करा हयेछे एबं तार एफेक्ट 1/4/2022 थेके देवार जन्य नोटिफिकेशन जारी हयेछे। किन्तु दुर्भाग्य आज के एजीएमसी एवं जीबीपी हासपाताल मेलागर म्यूनिसिपल काउंसिल बिलुनिया म्यूनिसिपल काउंसिल इत्यादि अजस्र जगार तदुपरि राज्य सरकार आवताधीन नय जे समस्त पैथोलैब इत्यादि बेसरकारी संस्थागुलि आछे इंस्टीट्यूशनगुलि आछे सेखानेओ सरकार जे गाइडलाइन जे नोटिफिकेशन सेटाके फलो करा हच्छे ना एवं आज के तादेरके मेलागरे 204 टाका हाजिरा देवा हच्छे जेटा प्रचंड अनैतिक आमरा एटाके एकदम कन्डेम करि। द्वितीयत तादेरके ईपीएफ आवताय नेওয়া आसछे ना। तो एकटा श्रमिक आमरा देखेछि करोना काले जे कि करे तादेरके सैनिकेर आख्या देवा हयेछे आमरा देखेछि गंगार घाटे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्तृक साफाई कर्मचारीदेर पा धुए दिए एक उच्चासने अधिष्ठित करेछेन। आबार सेई आमरा साफाई कर्मचारीके देखेछि विभिन्न भावे निर्यातित होते कारोर बाड़ीते जदि डोर टू डोर कलेक्शने जे समस्त साफाई कर्मीरा जे थाकेन सकालबेला बासी बाजिये ओनार मा बाबा दाड़िये थाकेन छेले शिक्षा निच्छे বলে যে জাবরাওলা আসছে। আসলে বলুন তো আমরা জাবরাওলা কে? জাবরাওলা হচ্ছে আমরা, আমরা যারা জাবরা জেনারেট করি, তারা সাফাই কর্মী, তারা সাফাইওয়ালা। তো এই যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলি, এই যে সামাজিক নিরাপত্তা, আমরা সেই সামাজিক নিরাপত্তা আমরা মাননীয় অভিষেক চন্দ্র চেয়ারপারসন ত্রিপুরা রাজ্য সাফাই কর্মচারী কমিশনের ওনার কাছে তুলে ধরেছি। পাশাপাশি